ये देखे जी मैच है कबड्डी का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी उम्मीद करता हूँ जी जितने भी लोग देख रहे हैं ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और जट की चढ़ाई कर रहे होंगे। सगीर साहब क्या हाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं और सगीर साहब जा रहे हैं जी आज मंडी बहावलदीन, हमें यहाँ पर एक काम है तो उस काम के लिए जा रहे हैं। हो तो लेट गए हैं लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी वापस आ जाना है। तो मंडी बहावलदीन जाना है जनाब, जो भी एक्टिविटी वहां पर होगी, एक काम भी है और एक वलीमा है, वलीमा नहीं सॉरी निकाह है एक अपने रिश्तेदार का, वो अटेंड करना है। तो अल्लाह हैर हैर करे। आज की वीडियो मैं शॉर्ट बनाऊंगा, क्यों आज मैंने लेट वीडियो शुरू की है, तकरीबन अभी पिछला टाइम हो गया तो अभी वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो कोशिश करूंगा और पहली वीडियो भी जो मैंने 3-4 अपलोड की है शॉर्ट वीडियो बनाई है ताकि लोग देख सकें। ज्यादा कहते हैं लंबी 10 मिनट से वीडियो ज्यादा लंबी हो तो फिर टाइम ज्यादा लगता है, तो कोशिश करूंगा कि छोटी वीडियो बनाऊं। अक्सर मुझे लोग कहते हैं छोटी वीडियो, लेकिन यार कम से कम 10 मिनट तो बर्दाश्त करें ना। के है यार सगीर साहब? जय जय आ तो पता लगता है जट की चढ़ाई है। अच्छा जी मैं और सगीर जा रहे थे मंडी बहावलदीन, तो यहाँ पर रस्ते में ना एक कबड्डी कोडी का मैच लगा हुआ है, तो हम भी देखते हैं और थोड़ा सा सीन आपको भी दिखाते हैं। ये देखे जी मैच है कबड्डी का, लाला केड़ी केड़ी टीम का मैच है, केड़े पिंड का कोई पता, भला सीकर वाली वाले टूर्नामेंट हो रहा है। थले ये है जी डिंगा शहर, यहाँ हम पहुंच आए हैं। तो आवाजें लग रही हैं 100 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी, 100 रुपए डिंगे शहर की है अपनी मौज है। यहाँ पर रश बड़ा होता है, ट्रैफिक का कोई कानून नहीं है, कोई निजाम नहीं है, कोई फॉलो नहीं करता। हालांकि ये जिस तरह के रोड आपको नजर आ रहे हैं ना, इर्द गिर्द जो जगह है ये फुटपाथ है चलने के लिए लोगों के लिए, लेकिन ये इर्द गिर्द जो फुटपाथ की जाए यहाँ पर दुकान वालों ने हर चीज अपनी बाहर निकाल के रखी हुई है और रेडियो वाले ने रेडियां लगाई हुई है, तो बंदे जो चल रहे हैं रोड में तो गाड़ियां कहाँ जाए। ये मसला है जी हमारे पाकिस्तान में शहरों का। ये देखिए किस तरह आ रहा है मोटरसाइकिल, कोई पता नहीं किधर लाग जाए किधर लाग जाए, कोई कानून निजाम नहीं है जी। इस वक्त जी मैं और सगीर साहब जट की चढ़ाई कर रहे हैं जनाब डिंगा की सरजमीन पर। ये आ गया जी चना चाट खा रहे हैं मैं और सगीर साहब, ये देखिए। अच्छा जी वैसे भी आजकल टेलीनॉर की सर्विस बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हमारे इलाके में या वैसे भी देखा जाए ना तो जैज़ की सर्विस बेहतरीन है पाकिस्तान में। एक तो उनका नेट की स्पीड जो बहुत तेज़ है, तो मेरे पास पहले टेलीनॉर की सिम थी, फिर उसको मैंने जोंग में कन्वर्ट करवाया, लेकिन बाद में चला कि वीडियो बाद में पता चला कि वीडियो अपलोड करने में मुझे मुश्किलात पेश आ रही, तो मैंने पता किया तो पता चला कि जैज़ की सर्विस जो है ना पाकिस्तान में बेहतरीन है, तो जैज़ की सिम भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो जितने भी लोगों को सर्विस के हवाले से मुश्किलात पेश आ रही हैं पाकिस्तान में जो हैं, वो अपने इसी नंबर को जैज़ पर कन्वर्ट करवाएँ और इन्जॉय करें और तेज़ नेट के मज़े लें। सगीर साहब ये चाट मज़े दी टेस्टी
माशाल्लाह चेक करने हैं। अभी जी काफी लेट में घर आया हूँ हेड रसूल से, तो मैं चाट लेके आया था घर के लिए, गाड़ी में बोल गया हूँ, पार्किंग लगा के घर आ गया था, अभी जनाब लेने के लिए जा रहा हूँ। है बेशक अंधेरा, लेकिन आपने एक मेरी बात सुनी है, हमारे गांव में एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, गरीब बंदा है, तो वो कोमे में चला गया, हेल्थ कार्ड पे उसका इलाज तो जारी है, लेकिन फिर भी जो है ना आगे पीछे चेकअप के लिए या फिर क्या कहते हैं एम्बुलेंस का गाड़ियों का किराया वगैरह, तो वो गरीब बंदे हैं नहीं दे सकते, तो जो देखने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि अगर हो सके तो उनके साथ तावन करें, एक या दो दिन के अंदर इंशाल्लाह मैं उस बंदे की वीडियो बनाऊंगा, वो बंदा इस वक्त कोमा में है, तो आप सब दुआ करें अल्लाह पाक उस पर रहम करे और उसका कोई जुगाड़ बने पैसों का। मैं जो जी पहले हिदमत हलक प्रोग्राम एक मैं काम करता था अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस हवाले से मेरे पास अभी पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन मेरी अपनी मसरूफियात की वजह से मैं इस काम को टाइम नहीं दे सका, तो इंशाल्लाह जितना मैंने आपके साथ पहले जिक्र किया है कि उस बंदे की चलो जितनी हो सके माली मदद करेंगे जिस हिसाब से मेरे पास पैसे पड़े हुए, तो फिर दोबारा इंशाल्लाह ये सिस्टम ये सिलसिला शुरू होगा कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा लोग जारी बात है पैसे भी भेजेंगे, तो इंशाल्लाह जिसका हक आप भेजेंगे उसका हक उस तक पहुँचाया जाएगा, तो कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह हम अपने करनाने का जो जनाजे का है वहाँ पर स्पीकर भी लगा रहे हैं, साउंड सिस्टम भी कि वहाँ पर नहीं था, जो जनाजा पढ़ने जाते थे आवाज़ नहीं आती थी पीछे, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक एक या दो दिन के अंदर जो भाई हमारे का एक्सीडेंट हुआ है कोमा में है, तो उसके लिए दुआ को भी हैं और उसकी जिस हाथ तक हो सके माली मदद करेंगे, और आपसे भी माली मदद की अपील है। थैंक यू। रात के जी तकरीबन 11 बज गए हैं और पुत्री मेरे साथ मोटरसाइकिल कहती है जी मैंने लेनी है चीज़, तो आधे गांव की दुकानें तो अभी तक बंद हो चुकी हैं, तो देखते हैं एक बेकरी है वहाँ पर अगर मिल जाए, पुत्री कहती है मैंने चीज़ लेनी है रात 11 बजे, देख लें हिसाब लगाए, लास्ट के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, गाँव में सारे बंदे सो चुके हैं, कोई बंदा बाहर नहीं है, मैं घूम रहा हूँ इसके लिए। ले फातिमा दुकान खुली है, कड़ी दुकान खुली ये खुली है, चाचा जी ले दे जे मसाला ले दे। नहीं लेल तो कौन थले है नी बेबी लेद चाह दो चाह दो तकरीबन त्रियाँ बेबी लेद शौक 204 ले जी यहाँ पर आए हूँ चीज़ लेने, लेकिन चाचा जी ने यहाँ पर रखे हुए हैं तोते, मुझे भी शौक है मैं चाचा जी मैं रखे ने ऑस्ट्रेलियन अभी भी दो ऑस्ट्रेलियन आए चार साढ़े को और दो जाने थे दो रह गए मरदे बड़े ने चिट्टे थे नीले मौसम की वजह थी वो नहीं वो मरे कोई नहीं अच्छा उन्होंने एक बार बच्चे कटे अच्छा वो निकिया नहीं वो बच्चे एडिट लेने तो बच्चे मर गए उस पिछले उन्होंने अंडे नहीं दिए जोड़ी कितने की लिया जी 15,000 ही जोड़ी बड़ी महंगी महंगे ने ना तोता मैं जेड़ा ना तोता कितने लगे ने आपको वो जेड़ा तोता है ना वो मैं गुजरातू एक घरों कुड़ी ने रखिया मेरे को वड्डा पिंजरा है तकरीबन जेड़ा ना तो मतलब मैं रखा जगह सही हो गए लून दी डबियां ले ले बुलाए ना यार माशाल्लाह मियां मिठू चूरी खानी हां सही पर हेर मियां मिठू मियां मिठू चूरी खानी है बल्ले भाई मियां मिठू चूरी खानी है ए वो बोल दे गल्ला कर दे रात होते तोता गल्ला कर दे अच्छा जी अभी मैं और पुत्री लेके आए हैं चिप्स और खा रहे हैं पुत्री पुत्री क्या खानी है जी कितू ले आ गई जी तोते बोल दे खाना कि गल्ला कर दे
अभी खाएंगे हम चिप्स और आप वीडियो एंजॉय करें इंशाल्लाह जिंदगी रही। तो कल दोबारा मुलाकात होगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।